हे दिस दस एज एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच सो गाइस सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सभी को और सब मेरे को ये बताओ कि तुमने दिवाली एंजॉय करी या नहीं और करी तो कैसे करी वो देख के मैं थोड़ा सा कंपेयर तो कर पाऊँ कि मैंने ज़्यादा एंजॉय करा या तुमने अगर तुमने करा हुआ तो आई एल बी लाइक ओ और अगर मैंने करा हुआ तो आई एल बी लाइक ये तो देखते कैसा रिएक्शन होता है मेरा तो सब लोग उसके लिए शेयर करो यार कमेंट सेक्शन में जाके सब बताओ मुझे आराम से कमेंट कर, कर के बताओ कि मैंने ये किया मैंने ये करा क्या क्या, क्या खाया सब कुछ बताया सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे दिवाली में खाना ही आता है एनी anyway, वीडियो स्टार्ट करते तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो भी एकदम से किसी रॉकेट और पटाखे से कम नहीं है एकदम से पूरा दिवाली पैक ही है बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है तो प्लीज इसको देखना और एकदम एंड तक देखना ताकि अच्छे से समझ पाओ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और इस वीडियो में मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालना थोड़ा सा सिखाया है लाइक बेसिक में एक इंट्रो टाइप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बताया हुआ है तो वो समझ जाना और अच्छे से समझते समझते हैं ठीक है तो इसके लिए हमें करना क्या है हमें कुछ नहीं करना है हमें इस वीडियो को अभी से ले एकदम एंड तक देखना है उसके बाद इसको लाइक करना है अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में डालना है और उसके बाद इस वीडियो को जितना 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 हो जाए उसको शेयर करना है और वीडियो ख़त्म होने के बाद एक अपने किसी नए तरीके से इसको सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ओके किसी नए तरीके से ऐसा नहीं है कि सेम होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए लाइक इट मस्ट नॉट बी सेम ओके तो सेम तो नहीं ही होना चाहिए बाकी किसी भी तरीके से मे बी मेरे तरीके से बेटर हो मे बी ना हो फ़र्क नहीं पड़ता राइट right? तो जो भी बंदा या बंदी सबसे पहले रिप्लाई देता है मैं उसका नाम लेती हूँ आज भी किसी दो बंदों का नाम लेने का मैंने प्रॉमिस करा था वो मैं लूँगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तो end के लिए पहले start करना ज़रूरी है, राइट right? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, so let's begin. So guys, नाम से पता चल रहा है कि हमें करना क्या है हमें negative elements को move करना। अब कैसे क्या करना है वो जानने के लिए तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखना होगा तो ऑब्वियस है हमारे पास एक अरे दिला हुआ है और उसका साइज है एन साइज का मतलब पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे राइट और जब यहाँ पे नाम में पहले से मेंशन किया हुआ है कि हमें नेगेटिव एलिमेंट्स को मूव करना है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें समझ आ ही रहा है कि अरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे राइट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मूव ही क्या करते राइट तो इस तरीके से होंगे उसके अरेज के अरे के एलिमेंट्स सॉरी ओके एक और चीज यहाँ पे mention, mention किया हुआ है कि ऑर्डर जो होगा वो रैंडम होगा इसका सिंपल सा मतलब है है है। कि 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 ऐसा नहीं होगा कि ascending order में है या ऐसा नहीं नहीं होगा होगा में में। में या वो किसी भी order में हो सकता है। मतलब वन के बाद फाइव फाइव के बाद टू ऐसे भी हो सकता है ओके okay, कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं होगा अब हमें करना क्या है तो हमें सिंपल सा रीअरेंज करना रीअरेंज सो दैट ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स अपियोर बिफोर ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स तो हमारे अरे में जो भी एलिमेंट्स हैं डोंट वरी हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे अरे में तो उसमें क्या करना है कि जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको पहले लिखना है उसके बाद पॉजिटिव वालों को लिखना है ठीक है पहले नेगेटिव वाले सारे के सारे फिर पॉजिटिव वाले अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक नोट दिया हुआ है और नोट वही है कि ऑर्डर डजेंट मैटर मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें सारे के सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं किसी भी रैंडम ऑर्डर में मतलब जैसे एलिमेंट ओरिजिनली रैंडम ऑर्डर में दिए हुए हैं वैसे ही रिजल्ट अरे जो आएगा उसमें भी रैंडम ऑर्डर में ही होगा ठीक है बस इतना ही करना है कि नेगेटिव एलिमेंट्स पहले और पॉजिटिव एलिमेंट्स बाद में अब देख लेते हैं इनपुट कैसे क्या होना है तो obvious है फर्स्ट लाइन में तुम्हारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए टी होगा एंड देन साइज ऑफ अरे और उसके बाद अरे एलिमेंट्स राइट तो इतना तो सबको पता है तो यही सिंपल सा हमारा इनपुट होगा इनपुट आउटपुट कैसे लेना है अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा नेक्स्ट देख लेते हैं आउटपुट क्या करना है तो फॉर ईच टेस्ट केस हर एक टेस्ट केस के लिए हमें नए नए लाइन में रीअरेंज अरे को प्रिंट करना है मतलब जो भी अरे दिया हुआ है हमें बस ऐसे जो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर है उसमें प्रिंट करना है मतलब सारे एलिमेंट्स नेगेटिव वाले पहले और सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव वाले बाद में सिंपल एक बार देख लेते हैं तो तुम्हारे पास तुम जो जितने भी टेस्ट केसेस पे चेक कर सकते हो वो हो सकता है मैक्सिमम 100 मतलब या तो तुम एक पे चेक कर सकते हो दो तीन चार पांच लेकिन मैगजिम 100, 100 से टेस्ट पे तुम चेक नहीं कर सकते हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर अरे कैन बी एट मैक्स वन लैख उससे ज्यादा नहीं होगा अब हमारे अरे में एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं तो माइनस थाउजेंड से लेके थाउजेंड के बीच में कुछ भी हो सकता है ठीक है इंक्लूडिंग बोथ बिकॉज ऑफ दिस दिस इक्वल्स टू साइन ओके सो दोनों साइड ही इक्वल्स टू साइन डला हुआ है इसका मतलब तुम्हारा थाउजेंड भी हो सकता है माइनस थाउजेंड भी हो सकता है इनके बीच का कुछ भी माइनस थाउजेंड से छोटा कुछ नहीं हो सकता थाउजेंड से बड़ा कुछ नहीं हो सकता ये हो गया हमारा रेंज अब एक बार हम लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना और समझाना दोनों ही आसान हो जाए तो सबसे पहले तो तो टेस्ट केस होगा हम एक ही टेस्ट टेस्ट केस पे चेक कर रहे सो वन एंड साइज ऑफ अरे दिलाआर नाइन मतलब टोटल नाइन एलिमेंट्स होंगे तो तुम्हारे एलिमेंट्स दिख रहे तुम्हें माइनस ट्वेल्व हो गया एलेवन हो गया माइनस थर्टीन एंड सो वन तो देखो कुछ पॉजिटिव भी नंबर्स है कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं और सारे के सारे माइनस थाउजेंड से थाउजेंड के बीच में राइट तो अब हमें क्या करना है आउटपुट प्रिंट करना है आउटपुट में हमें क्या बोला गया था कि सारे नेगेटिव एलिमेंट को पहले उसके बाद सारे पॉजिटिव एलिमेंट तो देखो माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस सिक्स एंड उसके बाद आ रहा है इलेवन सिक्स एंड फाइव तो ऐसा लेकिन नोट में एक चीज और डला हुआ था कि कुछ ऐसा फिक्स ऑर्डर नहीं होना चाहिए रैंडम ही होना है और मतलब अगर ऑर्डर हो भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में होना कुछ मस्त है वैसा कुछ नहीं है ओके तो यहाँ देखो माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टी नाइन उसके बाद माइनस फाइव आ रहा है तो यही पे समझ में आ रहा है ना कि नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग कोई ऐसा फिक्स ऑर्डर नहीं है रैंडम ऑर्डर में है तो एकदम से उसी तरह से पूरा हमें प्रिंट करना है जैसे पहले रैंडम था वैसे ही रैंडम बस ध्यान रखना है कि सारे नेगेटिव वाले पहले आ जाए और उसके बाद आए तुम्हारे सारे के सारे पॉजिटिव वाले तो ये था क्वेश्चन आई होप सबको समझ आ गया होगा दो मैंने थोड़ा स्पीड uh, बढ़ा के रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अदरवाइज anyway, अब देखते हैं अप्रोच सो हमने क्वेश्चन तो पहले ही समझ लिया अब एक बार हम अप्रोच समझ लेते हैं मतलब देख लेते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है डोंट वरी मैं अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ हमारे पास जेज इक्वल्स टू जीरो मैंने क्यों लिखा हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आ जाएगी कैसे देख लेते हैं तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक अरे दिला हुआ है जिसमें छह एलिमेंट्स है राइट तो छह एलिमेंट एन इज इक्वल्स टू तो सिक्स समझ में आ गया बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे दिले हुए हैं हमें करना क्या है तो जितने सारे तुम्हारे नेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं उनको पहले लगाना है और उसके बाद पॉजिटिव वालों को बस इसीलिए मैंने जान बुझ के एकदम से उल्टा करा हुआ है ताकि अच्छे से समझा पाऊ राइट तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होना है और जे की भी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी और किसके साथ क्या करना है सब कुछ तो सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से तो देखो फर्स्ट एलिमेंट में चेक करना है हमें कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है या नहीं तो ऑब्वियसली अगर हम चेक करें तो सेवन जो है वो जीरो से बड़ा है है इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। तो हमें किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है अब हम बढ़ जाएंगे आगे तो एक चीज और जो मुझे मेंशन कर देना चाहिए था कि हमारे इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है मतलब इस पोजीशन पे जब हम हैं तो हमारे आई की वैल्यू जो है वो जीरो है अब आई की वैल्यू हो गई वन राइट right? तो आई की वैल्यू वन के लिए अगर हम चेक करें तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है ए ऑफ आई ये क्या नेगेटिव है तो नहीं फिर से कुछ नहीं करना आगे बढ़ जाते है। जब आई की वैल्यू टू हो रही है तो ऑफ टू की वैल्यू नेगेटिव है तो बिल्कुल भी नहीं ये तो फाइव है तो फिर से कुछ नहीं करना और आगे आते हैं मतलब अब हमारे जब आई की वैल्यू हो जा रही है थ्री तो i की वैल्यू थ्री है फाइन और a ऑफ i है आपका माइनस फोर मतलब a ऑफ i जो है वो नेगेटिव है तो a ऑफ i i के कौन से वैल्यू के लिए नेगेटिव है तो a ऑफ i नेगेटिव है तुम्हारे i के थ्री जब हमारा i जो है वो थ्री होता है राइट right? बस इस केस में जाके हमें क्या करना है चेक करना है कि जे की वैल्यू और आई की वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं तो नहीं है सेम जे जीरो है और आई जो है वो थ्री है राइट right? अब हमें क्या करना है अब हमें स्वैप कर देना है किस चीज में स्वाप करना है तो समझ में आ रहा है ना जे जे की इम्पोर्टेंस बस इस केस में ही जे की इम्पोर्टेंस है तो हमें स्वाप करना है ए ऑफ आई स्वापिंग कैसे करना है वो तो सबको पता है ना तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को हम स्वाप कर देंगे ओके तो ओके 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 सो प्लीज मेरी हैंडराइटिंग पे ज्यादा फोकस ना करें तो ये हो गया तुम्हारा ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को अगर हम क्या करेंगे स्वाप कर देंगे बस जो भी रिजल्ट आएगा वो देखो तो तुम्हारा जे जो था वो जीरो है और आई जो है वो थ्री है तो ए ऑफ थ्री तुम्हारा फोर है और ए ऑफ जीरो जो है वो सेवन है मतलब हमें इंटरचेंज करना है इन दोनों की वैल्यू को तो ठीक है हम कर देंगे अब क्या करेंगे हम फिर से आगे बढ़ेंगे सॉरी अब हमें क्या करना है जे की वैल्यू को भी लाइक मॉडिफाई करना है मॉडिफाई क्या करना है तो जे की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी और जे की वैल्यू तुम्हारी हो गई वन बस जे के साथ अब क्या करना है समझ में आ गया ना अब देखते हैं हम फिर से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि अब क्या होगा तो अब के केस में फिर हमारा आई अभी थ्री तक हमने चेक करा है अब हमारा आई बन चुका है फोर मतलब ए ऑफ फोर इज माइनस थ्री अगेन नेगेटिव राइट अगेन नेगेटिव अब हमें क्या करना है फिर से चेक करना है कि तुम्हारे जो आई की वैल्यू है जो ऑब्वियसली अब फोर हो चुकी है थ्री नहीं रह गई है वो और जे की वैल्यू सेम है क्या नहीं की नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जे तुम्हारा वन है और आई जो है वो फोर है सेम नहीं है मतलब हमें क्या करना है स्वाप करना है तो स्वाप okay, तो हमने यहां से इधर उठाया और इसको मैं बस एरो एरो डाल करके समझा दे रही हूँ आगे फिर देखेंगे ओके okay, तो ये हमने कर लिया अब इतना करने के बाद तुम्हें अब देखते हैं कि जे का वैल्यू भी अपडेट करना है तो चलो जे का भी वैल्यू अपडेट करें तो जे का वैल्यू क्या हो गया अब बढ़ के हो गया तुम्हारा टू फाइन जब ही नेगेटिव है उसी केस में हम जे का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं ये तुमने देखा ना बाकी केसेस में हम कुछ नहीं कर रहे Fine. अब हम रहे हमारे लास्ट एलिमेंट के पास मतलब अब हमारा आई भी फाइव हो चुका है आई की वैल्यू तो पॉजिटिव और हो कुछ भी बढ़ना ही है ठीक है तो ये क्या नेगेटिव है तो ऑब्वियसली माइनस टू है तो नेगेटिव है मतलब अब हमें चेक करना है कि जे और आई की वैल्यू सेम है या नहीं तो जे टू और आई फाइव मतलब ऑब्वियसली सेम नहीं है तो हमें करना क्या है हमें कर देना है इन दोनों को भी स्वास्थ्य तो बस इतना काम हमने करा और हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया पता है कैसे देखो अब जब हमने इन दोनों को स्वाप करा मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए दिखाया ताकि समझना आसान हो तो इधर तुम्हें माइनस फोर और सेवन को आपस में इंटरचेंज करना है राइट तो ये हो गया हमारा माइनस फोर फाइन और दो के बाद इधर तुम्हारा हो जाएगा सेवन राइट तो ये हो गया हमारा सेवन अब देखो ग्रीन चेक करते तो सिक्स और माइनस थ्री को हमें इंटरचेंज करना है मतलब इधर आ गया तुम्हारा माइनस थ्री और इधर आ गया सिमिलरली सिक्स अब हमें टू सॉरी माइनस टू और फाइव को इंटरचेंज करना है इधर आ गया माइनस टू और इधर आ गया हमारा फाइव राइट right. तो इस तरीके से हमें हमने हमारे अरे को कर लिया अप, अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज मतलब सारे नेगेटिव वाले एक साथ सारे पॉजिटिव वाले एक साथ राइट right. तो कंडीशन क्या हुआ ये सबको समझ आया तो चलो मैं यहाँ पे कंडीशन एक ऐसे जस्ट मेंशन कर दे रही हूँ उसके बाद कोड तो हम देखेंगे बट फिर भी तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना कि आई के जैसे बढ़ते जाना है ठीक है तो आई के साथ तो हम बढ़ते जाएंगे और हमारा जो कंडीशन वो होगा जो हम चेक करेंगे जहां पे मतलब वो हो जाएगा कि तुम्हें सबसे पहले चेक करना है कि तुम्हारा जो ए ऑफ आई है, है वो नेगेटिव है या नहीं तो अगर नहीं है उस केस में हमें कुछ नहीं करना है तो मैं कुछ कंडीशन नहीं लिख रही हूं पर अगर नेगेटिव है इस केस में हमें क्या करना है तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना है तो सिंपल सी स्वापिंग जैसे मैंने बताया स्वाप कर देना है तुम्हें ओके okay, हमने स्मॉल ए लिया हुआ है तो ठीक है फाइन है स्वाप किस चीज को स्वाप करना है, swap, swap करना है? तो तुम्हारा हो गया ए ऑफ आई को स्वाप करना है विद ए ऑफ जे राइट तो हमने ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वाप कर देना है और हमें उसके बाद बढ़ा देना है जे की वैल्यू जे की वैल्यू जो भी हो उससे एक एक बढ़ जाएगी ठीक है बस इतना ही काम करना है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा तो ये है अप्रोच अब हम एक बार कोड देख लेते हैं so guys, last time हमने जावा कोड कोड देखा था इस बार हम C++ देख रहे हैं बट लाइक ऑलवेज आपको जावा कोड भी मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तो देख लेना एनी anyway, वे देखते हैं C++ कोड में तो फर्स्ट टू लाइन वगैरह ये सब एक्सप्लेन करने की अब मुझे जरूरत नहीं है मेन किस टाइप का फंक्शन है ये भी जरूरत नहीं है आपने काफी वीडियो देख लिया राइट तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमने टी लिया हुआ टी मतलब टेस्ट केस राइट तो टेस्ट केस हमने लिया हुआ है ताकि हमें कितने टेस्ट केसेस वगैरह लेने हैं वो और एक और चीज मैं में मेंशन करना चाहूंगी कि इस बार मैंने क्या किया है कुछ स्पेशल सा फंक्शन नहीं बनाया हुआ है सारे ऑपरेशन के लिए इस बार मैंने पूरा का पूरा कोड मेन में ही लिख दिया है ओके तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें तुम्हें फंक्शन कॉल वगैरह नहीं करना पड़ेगा किसी तरह का ये सब मैंने यूज नहीं करा है एनी वे anyway, देखते अगर तुम्हारा मन हो तो तुम कर सकते हो तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है तो मैंने एक एन लिया हुआ है एक बोल सकते हो एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का एन लिया है एन का सिंपल सा मतलब है तुम्हारा साइज ऑफ अरे और एक टेम्प लिया है टेम्प मैंने लिया हुआ है स्वापिंग में हेल्प करने के लिए स्वापिंग हम क्यों कर करें वो तो तुम्हें पता ही है एनी वे सी इन एन मतलब हम एन ले लिए उसके बाद हमारा जो अरे का साइज है वो एन है तो डेफिनेटली क्यों लिया है समझ में आ गया होगा उसके बाद हमने यूजर से मांग लिया हमारा अरे हो गया हमारे पास हमारा अरे आ गया उसके बाद जे इज इक्वल्स टू जीरो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी अब तुम्हें पहले से पता है कि हमने जे इज इक्वल टू जीरो करके क्यों रखा हुआ है राइट अब मैंने बताया ना कि हमें हर एक एलिमेंट को जाके चेक करना है सारे के सारे एलिमेंट को हमें जाके चेक करना है जो हमने देखा है वन बाई वन हम स्टार्ट कहाँ से करे थे हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे को चेक कर रहे थे कि पॉजिटिव है या नहीं है ना तो मतलब हम लोग वहां पे चेक कर रहे थे जब हमारे i की वैल्यू थी जीरो राइट तो हम i इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किए थे और गए कहाँ तक थे जब हमारे i की वैल्यू n माइनस वन थी n पे जाके हमारा लूप टूट गया था राइट तो वही काम हमने करा था उसके बाद अंदर जाके मतलब हर एक इंडेक्स में हमने चेक क्या करा था कि नेगेटिव है या नहीं मतलब इफ ए ऑफ आई इज नेगेटिव और नॉट जब नहीं है उस केस में हमने कुछ नहीं करा था तो मैंने कुछ कंडीशन नहीं लिखा है और अगर है तो हमने कुछ और भी चेक करा था हमने चेक करा था कि i की वैल्यू और j की वैल्यू सेम है या नहीं तो जब सेम होती तो हम क्या ही कर लेते स्वाप करके तब तो स्वाप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है राइट लेकिन जब सेम नहीं है तभी तो हम स्वाप करेंगे तो जब सेम नहीं थी तब हमने कर दिया है स्वाप राइट उसके बाद हमने कर दिया स्वाप और स्वाप करने के बाद हमने जे के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जे के वैल्यू को हमने इंक्रीज उसी केस में किया है जब हमारा जो एलिमेंट है वो नेगेटिव है देख रहे हो सेम ब्लॉक में मैंने लिखा है राइट और बस इस तरह से हमारा रीअरेंजमेंट हो गया कंप्लीट और फाइनली हमने कर दिया हमारे अरे को प्रिंट बस इतना ही काम हमने करा कर था आई होप तुम्हें समझ आ गया बाकी हम रन कर लेते प्रोग्राम को एक बार देख लेते हैं अच्छे से फिर शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा सबका तो डोंट वरी तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है तो और अगर किसी को स्पीड से प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा स्लो होने की कोशिश करूंगी और हो भी जाऊंगी ऐसा कुछ नहीं तो हम चलो एक ही टेस्ट केस पे चेक कर लेते हैं तो एक टेस्ट केस पे हम चेक कर रहे हैं और लेट्स से हमारा जो एलिमेंट है हमारे अरे में वो है मतलब हमारे अरे का साइज हो गया सिक्स अब क्या क्या एलिमेंट डाले तो मैं रैंडम कुछ भी डाले ओके तो तुम्हारा नाइनटी हो गया फिफ्टी हो गया माइनस हो गया माइनस सिक्स ओके उसके बाद तुम्हारा सेवेंटी डाल दे रहे 1, 2, 3, 4, 5, एक और हमें डालना है तो हम डाल दे रहे हैं चलो एक बार चेक करते हैं तो जब हमने रन कराया तो देखो सारे के सारे नेगेटिव वाले एक साथ आ गए और सारे के सारे पॉजिटिव वाले उसके बाद एक साथ आ गए राइट तो कोड तो तुम्हें समझ आ गया एक और चीज आज का वीडियो दो थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए मैं कुछ एक चीज और समझा देना चाहती हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इस कोड का की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन इसलिए है क्योंकि हमने कितनी बार आल्टरेट करा हम मैक्सिमम कितनी बार ये पूरे के पूरे प्रोसेस को जो इसमें देखो main काम हमने क्या किया हुआ रीअरेंजमेंट के लिए तो हमने मेन काम जो करा है वो है हमारी स्वैपिंग राइट या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं या स्वैपिंग कर रहे हैं है ना तो हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं तो वो हो गया स्वैपिंग तो ठीक है हम स्वैपिंग कर, कर रहे हैं हम मैक्सिमम कितनी बार स्वैप कर रहे और फिर कितने बार चेक कर रहे हैं हमें स्वाप करना है या नहीं करना है राइट तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हम चेक करेंगे अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हम स्वाप नहीं करेंगे ट्रू होगा तो स्वाप करेंगे सॉरी तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हम स्वाप करेंगे नहीं होगा तो नहीं करेंगे कंडीशन तुम्हें यहाँ पे दिला हुआ है कि अगर हमारा एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है यानी तो हमें ये सब चेक करने की कहा कितनी बार जरूरत है क्योंकि हम कंडीशन चेक करेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें स्वाप करना है या नहीं लेकिन कंडीशन चेक तो हमें हर एक बार हर एक बार करना है राइट तो कितनी बार हमें कंडीशन चेक करना है तो हमें कंडीशन चेक करना है एन टाइम्स मतलब जब हमारा आई जीरो है तब से लेके जब हमारा आई एन माइनस वन है राइट तो हमारी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है इसलिए एन माइनस वन अगर वन से स्टार्ट होती तो एन राइट इसका मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो कंडीशन चेक करना है वो है एन एन टाइम्स कंडीशन चेक कर रहे हैं हम इसका मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन आई होप ये चीज समझ में आ गया मतलब जितनी बार तुम्हारा लूप चल रहा है वो हो गई हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी बार हमें कंडीशन चेक करना है वो हो गई कॉम्प्लेक्सिटी तो कंडीशन हमने चेक करा एन टाइम्स हमारा ऑर्डर हो गया एन अब एक बात और मैं बता दू की अगर कुछ लोग बोलेंगे की कंडीशन चेक करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मतलब लेट से हमारा ये फॉर लूप नहीं है हम सिर्फ सिंपल सा ऐसे ही चेक कर रहे हैं और यहाँ ए ऑफ आई भी तब नहीं होगा ऑब्वियसली हम चेक कर रहे हैं लेट से ए कोई नंबर है वो पॉजिटिव है या नहीं मतलब होता है ना एकदम बेसिक टाइम में जब हम सीख रहे होते कोडिंग तो हम ऐसा ऐसा, ऐसा छोटा छोटा प्रोग्राम करते तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो यूजर गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव तो लेट से कुछ नंबर है ए जो यूजर ने दिला हुआ है हमें चेक करना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल तो उस केस में क्या होगा इफ ए इज नेगेटिव नेगेटिव प्रिंट प्रिंट फॉल्स जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल तो कंडीशन चेक करने की कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछे तो सिंपल से बोल देना है सिंपल सा बोलना है कॉन्स्टेंट होती है तो कंडीशन चेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट ओके ऑर्डर ऑफ वन उसको बोलते हैं और लिखते ठीक है, है तो बस ये बहुत हुआ अब हम एक बार जावा कोड देख लेते हैं So guys, तुमने कोड देखा ना बस सब कुछ सेम है हमने सिर्फ जो सिंटेक्स है जावा का ऑब्वियसली वो लगाए बिना तो कुछ होने वाला है नहीं तो हमने बस वो जावा का सिंटेक्स डाला है और कुछ भी नहीं करा है तो सेम सब कुछ है अगर चाहिए तो तुम वीडियो को पॉज करो मैं एक बार स्क्रॉल करके वैसे दिखा देती हूँ तो वीडियो को पॉज करके पूरा का को पूरा कोड ले सकते हो ओके तो ये है हमारा प्यारा सा कोड ओके okay, तो समझ आ गया अगर कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के लिए कंफ्यूज हो रहे तो हो like तो 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 भी बढ़ जाता है इनर लूप के लिए अलग होता फिर आउटर उस, लूप उसके बाद वो कंडीशन देख के हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक लूप है फाइन और वो चल रहा है जीरो से एन माइनस वन तक मतलब वन से एन लेट से तो एन टाइम्स चल रहा है और जो कंडीशन चेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो ऑर्डर ऑफ वन है मतलब कॉन्स्टेंट है तो उसमें ना हमें एड्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं करना है जो काम हो रहा है जो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो काम हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस लूप की वजह से तो ऑर्डर ऑफ एन राइट तो आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा स्टिल देखना है तो एक बार कोड देख लो और चाहो तो कोड कॉपी कर सकते हो सो so, मज़ा आया था ना एकदम से पूरा दिवाली पैक वाला क्वेश्चन मुझे सीरियसली बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन और मैं सोच के रखी थी कि इसको दिवाली के बाद ही डालूंगी एनीवे anyway, वे मुझे तो बहुत मज़ा आया था तुम्हें मज़ा आया नहीं है वो भी मेरे को बताओ एंड मज़ा आने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ आया ही नहीं वो भी बताना अच्छे से ओके okay, तो ये सारी बातें तो हो गई अब एज़ प्रोमिस्ड मुझे दो लोगों का नाम लेना तो सबसे पहले अश्विनी कुमार शाह एंड सेकेंड वन इज़ रण विजय सिंह चौहान तो इन दोनों ने हमारे लास्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा था बस ऐसे ही करते जाओ और बस करते जाओ ओके okay, करना ही सब कुछ है लाइक like, प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो सीपी में बहुत आगे जाओगे सीपी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है ट्रस्ट मी और जो लोग अभी तक ऐसा नहीं कर रहे मतलब बस वीडियो देख रहे हैं उसके बाद खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, खुद से ट्राई नहीं कर रहे तो गाइज मैं उन लोग को भी बोलती हूँ प्लीज़ 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 एटलीस्ट ट्राई करो हर बार सॉल्व कर पाना ज़रूरी नहीं है बट एटलीस्ट ट्राई करो ट्राई करना ज़रूरी है क्योंकि इसी से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और इस चीज़ का कोई और शॉर्टकट नहीं है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा क्या होगा ना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगे कैसे जितने प्रॉब्लम्स हम देखते हैं जितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उतना हमारा दिमाग तेज होता जाता है रियल लाइफ में भी बोलते हैं ना कि एज से कोई मच्योर नहीं होता मच्योर होता कैसे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना उतने ज़्यादा हम मच्योर होते चले जाते हैं प्रॉब्लम्स में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि वो हमें मच्योर कर देता है तो वो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ वाली को थोड़ा सा पीछे छोड़ते सी पी के प्रॉब्लम्स को अगर तुम जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे तुम्हारा जो सोचने का तरीका है ना जो बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरा लॉजिक बिल्ड नहीं हो पा रहा है वो चीज़ धीरे 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 करके बढ़ता चला जाएगा तो जस्ट ट्राई करो और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम आए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं दो बंदों का नाम लेने वाली हूँ तो फर्स्ट टू जो भी होंगे आराम से कोड करो और अपना जो भी तुम्हारा कोड हो वो आके कॉमेंट सेक्शन में डाल दो तो बस अगेन हैप्पी दिवाली अब वीडियो को रैप करते हैं सो स्टेल्दी स्टे फिट लव यू ऑल दिस साइनिंग